Hello everyone, welcome you all to the Agrawal tutorials. This video is especially being recorded for the DC to DC converter, and that name is boost converter. ठीक है, last video में हमने जो recording किया था वो buck converter के लिए किया था. buck converter जो कि step down chopper कहलाता है. In the similar way, this boost converter is known as step up chopper. स्टेप अप का मतलब ये है कि जो भी हम इनपुट पर अप्लाई करेंगे, सपोज करते हैं कि हम V1 वोल्टेज इनपुट पर अप्लाई कर रहे हैं और V2 वोल्टेज हम आउटपुट पर ऑब्टेन कर रहे हैं, या फिर Vin इज अवर इनपुट एंड V0 इज अवर आउटपुट, तो ये जो हमारा बूस्ट कन्वर्टर है, ये बूस्ट कन्वर्टर आपको हमेशा आउटपुट वोल्टेज इनपुट से ज्यादा ही देगा. दैट मीन्स V0 शुड बी ग्रेटर देन वी इन. इसीलिए इसका जो नाम है वो स्टेप अप चॉपर कहलाता है. राइट, इसका जो सर्किट डायग्राम है बूस्ट कन्वर्टर का, पहले उसको बनाते हैं, जिससे कि हम बूस्ट कन्वर्टर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको समझ सके. ठीक है, तो जो आपका स्टेप अप चॉपर है यानी कि बूस्ट कन्वर्टर है, उसका सर्किट डायग्राम ये है. दिस इज द सर्किट अरेंजमेंट ऑफ द बूस्ट कन्वर्टर. In this circuit arrangement, you can see an input voltage Vs here. An inductor is connected in series with this supply voltage. A switch is there, जो एक chopper का काम कर रहा है. Basically, we have represented this chopper from a switch, जिसमें जो arrow head है वो आपको बताता है कि current किस direction में से यहाँ पर flow कर सकता है. That means ये जो स्विच क्लोज होगा आपका, वो स्विच इस डायरेक्शन में क्लोज होगा और जो करंट का फ्लो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा. देन वी हैव कनेक्टेड अ डायोड एंड द लोड. ठीक है, ये हमने यहां पर कनेक्ट किया है. जो डायोड है वो रिवर्स डायरेक्शन में करंट के फ्लो को प्रिवेंट करता है. अगर किसी भी रीजन से करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है, तो इन दैट कंडीशन योर डायोड बिकम रिवर्स बायस एंड द flow of current can be immediately stopped. So this prevents the flow of current in the reverse direction, right? तो यहाँ पर इस particular circuit को समझने के लिए आपको इस chopper को on and off दो state में समझना होगा. Means एक वो condition होगी जब आपका chopper on होगा और एक वो condition होगी जब आपका chopper off होगा. इन दोनों ही condition में हम chopper को one by one करके study करेंगे. सबसे पहले consider करते हैं कि आपका chopper ऑन कंडीशन में है. लेट अस कंसीडर द फर्स्ट वन व्हेन वी हैव ऑन कंडीशन. ऑन कंडीशन में हम सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हमारा इस तरह का दिखाई देगा. सो व्हाट यू ऑब्जर्व इन दिस केस इज कि जब आपका चॉपर ऑन होता है तो आपका जो सर्किट है वो इस पाथ के लिए क्लोज हो जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो भी सर्किट में से करंट फ्लो करेगा, दैट करंट विल बी सर्कुलेटिंग इन दिस पाथ ओनली, जो हमने यहाँ पर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो बनाया है. मींस योर करंट विल पास थ्रू द सप्लाई वोल्टेज Vs, द इंडक्टर वैल्यू L एंड द चॉपर जो यहाँ से क्लोज किया है, और आउटपुट साइड पर जो आपका जो लोड करंट है I0, जो लोड के थ्रू जाएगा, दैट विल रिमेन जीरो बिकॉज नो करंट विल फ्लो थ्रू दैट पर्टिकुलर साइड, एंड द वोल्टेज अक्रॉस द लोड विल ऑल्सो बी जीरो. इस कंडीशन में आपका आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा, आउटपुट करंट I0 का वैल्यू जीरो होगा, और जितना भी करंट है सप्लाई साइड से, लेट अस कॉल इट IS करंट, विच विल बी सर्कुलेटिंग इन दिस पर्टिकुलर क्लोज पाथ. इस पर्टिकुलर केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो इंडक्टर है, दैट इंडक्टर विल स्टोर एनर्जी इनसाइड इट. ठीक है, ये जो इंडक्टर है ये एनर्जी को स्टोर करेगा, एंड मीनवाइल ये जो इंडक्टर है यही एक मेन रोल प्ले करता है जो आउटपुट वोल्टेज को बूस्ट करने के काम में आता है. बिकॉज इन दिस केस हम देख पा रहे हैं कि जब चॉपर ऑन होता है उस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज जीरो है, तो ऑब्वियसली ये बूस्ट कन्वर्टर है और बूस्ट कन्वर्टर में इनपुट से ज्यादा हमें आउटपुट पर वोल्टेज मिलना चाहिए. तो उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर ये जो इंडक्टर यूज किया गया है, दिस इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वर्टर. And the value of this inverter has to be a large one, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा energy store होगा उतना energy आपको boost करने में help मिलेगी. ठीक है, तो during the turn on period or we can say during the on time of this chopper, the output voltage we get is zero and inductor will store the energy inside it.
सेकेंड केस हम देखते हैं जब आपका चॉपर ऑफ स्टेट में रहता है, उस कंडीशन में जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो होगा, दिस इज द सर्किट डायग्राम व्हेन द चॉपर इज ऑफ। इसमें हमने क्या किया है, चॉपर को ऑफ कर दिया, यानी कि यहाँ पर ओपन सर्किट बना दिया है। अब आपके पास जो क्लोज पाथ है वो क्लोज पाथ ये एक पूरा पाथ मिलके बना रहा है। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। जैसे ही आपका चॉपर ऑफ होता है, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर हो रही थी इन द ऑन टाइम, वो एनर्जी एकदम से रिलीज होना शुरू होती है। दैट मीन्स कि द एनर्जी विल स्टार्ट रिलीजिंग फ्रॉम द इंडक्टर एंड दैट रिलीज्ड एनर्जी विल अल्टीमेटली फोर्स ए करंट टू पास थ्रू द डायोड। मतलब आपका जो करंट है वो डायोड के थ्रू पास होते हुए लोड की साइड पर चला जाता है और आपको टोटल एक आउटपुट पे आई नॉट का वैल्यू मिलने लगता है। साथ ही साथ जो आउटपुट वोल्टेज है, क्योंकि आपका जो सर्किट है अब वो इनपुट साइड से कनेक्ट हो गया है, तो यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ द आउटपुट। नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग इज हियर विच इज इन द चॉपर ऑन टाइम, आपका जो एनर्जी स्टोर हो रहा था उसका पोलैरिटी लेफ्ट साइड में पॉजिटिव था, राइट साइड में नेगेटिव था। विद दैट पोलैरिटी योर इंडक्टर वॉज बींग चार्ज। एज सून एज द चॉपर इज ऑफ, द करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग थ्रू द इंडक्टर विच रिजल्ट इन द चेंज ऑफ पोलैरिटी ऑफ द EMF अक्रॉस द इंडक्टर। उससे क्या होगा, इंडक्टर के अक्रॉस जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी और राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव आपको मिलेगा। क्योंकि जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज करता है तो उस कंडीशन में इंडक्टर का जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाता है, जिसके कारण उसके थ्रू जो करंट का राइज था, पहले क्या हो रहा था, इंडक्टर के थ्रू करंट राइज हो रहा था क्योंकि वो चार्जिंग स्टेट में था, अब इंडक्टर के थ्रू करंट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वो डिस्चार्जिंग स्टेट में है। तो इन दैट कंडीशन योर वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल चेंज इट्स पोलैरिटी एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ KVL, अगर आप KVL इस पर्टिकुलर लूप में लगाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस VS माइनस ऑफ VL प्लस ऑफ V0 इज इक्वल टू जीरो और V0 इज इक्वल टू VS प्लस VL। दैट मीन्स कि आपको जो आउटपुट पर वोल्टेज मिलता है, दैट वोल्टेज बिकम्स द एडिशन द सम ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। सो एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पार्ट व्हेन चॉपर वॉज ऑन, दिस इंडक्टर विल अल्टीमेटली हेल्प टू बूस्ट द आउटपुट वोल्टेज, या आउटपुट वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए हेल्प करता है। और ये एक्सप्रेशन भी हमें यही कह रहा है कि जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज द समीशन ऑफ सप्लाई वोल्टेज एंड द इंडक्टर वोल्टेज। ठीक है, नाउ लेट अस प्लॉट द वेवफॉर्म्स। बूस्ट चॉपर का वेवफॉर्म प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इनपुट पे वोल्टेज VS, दिस इज द VS वोल्टेज वी हैव। ठीक है, इसके बाद ये जो एक्सिस है हमारी, ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है आउटपुट वोल्टेज। 0 टू दिस पीरियड, लेट अस से दिस इज T ऑन टाइम एंड दिस इज ऑफ पीरियड, राइट। हमने T ऑन एंड T ऑफ पीरियड को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि कितने समय के लिए हमारा चॉपर ऑन था और कितने समय के लिए हमारा चॉपर ऑफ था। फ्रॉम द वर्किंग ऑफ दिस सर्किट हमने ये देखा कि जब चॉपर ऑन था उस कंडीशन में आउटपुट पर वोल्टेज जीरो था। दैट मीन्स ड्यूरिंग द ऑन टाइम द आउटपुट वोल्टेज इज जीरो। ऑफ टाइम में जब चॉपर ऑफ हुआ उस कंडीशन में हमने देखा कि जो आउटपुट वोल्टेज है, दैट आउटपुट वोल्टेज विल बिकम इक्वल्स टू द सम ऑफ सप्लाई वोल्टेज एंड द इंडक्टर वोल्टेज। दैट मीन्स वी विल गेट ए वोल्टेज ड्यूरिंग द ऑफ पीरियड, सो ड्यूरिंग दिस टाइम द वोल्टेज इज अवेलेबल। सो इन दिस बूस्ट चॉपर हमें आउटपुट पर ऑफ टाइम पे ही वोल्टेज अवेलेबल होता है और ऑन टाइम पर वोल्टेज का वैल्यू जीरो होगा। सो थ्रू आउट दैट वी विल गेट द सेम वैल्यूज ऑफ द आउटपुट वोल्टेज लाइक दिस। ठीक है, आगे अभी हम उसका एवरेज वैल्यू और निकाल के देखेंगे। तो ये आपका जो टाइम है दिस इज ऑन टाइम, ये आपका जो टाइम है वो है ऑफ टाइम, है ना। और यहां से यहां तक का आपका जो टोटल टाइम पीरियड है टी, जो कि ऑन एंड ऑफ दोनों को मिला के हमें मिलता है। इसके अलावा फर्दर हम जो वेवफॉर्म बनाएंगे वो इंडक्टर करंट का वेवफॉर्म होगा। इंडक्टर करंट जिसमें हमने ये देखा कि जब चॉपर ऑन है तो आपका जो इंडक्टर है वो चार्जिंग स्टेट में है। दैट मीन्स कि इट इज एक्सेप्टिंग द वैल्यू ऑफ करंट, मीन्स द करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर इज इंक्रीजिंग। दूसरे केस में हमने देखा कि जब चॉपर ऑफ हुआ तो इंडक्टर इज इन डिस्चार्जिंग स्टेट, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ करंट
passing through the inductor will start decreasing. So assuming that the change in current through the inductor is linear in nature, हम ये assume करके चलेंगे कि inductor के through जो current का change हो रहा है decreasing और increasing state में वो linear nature में हो रहा है. तो initially जब आपका circuit on होगा, मान के चलते हैं कि जब आपका circuit on हुआ सबसे first condition में, तो उस particular time में आपका जो inductor current है that will start increasing from the zero, ठीक है, like this. राइट, क्योंकि इंडक्टर स्लोली करंट को एक्सेप्ट करता है, धीरे धीरे वो चार्ज होगा, इट विल एक्सेप्ट सम वैल्यू ऑफ करंट. उसके बाद सेकंड कंडीशन वो आएगी जब आपका इंडक्टर डिस्चार्जिंग स्टेट में आएगा, मतलब ऑफ कंडीशन में, जब चॉपर ऑफ होगा उस कंडीशन में आपका जो करंट का वैल्यू है दैट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. ठीक है, अब मान के चलते हैं कि जो ऑफ पीरियड है दैट ऑफ पीरियड इज लेस देन द ऑन पीरियड. ठीक है, वो ऑन पीरियड से लेस है, तो इस कंडीशन में जो चार्जिंग हो रही है इंडक्टर की वो ज्यादा हो रही है और जो डिस्चार्जिंग हो रही है वो कम हो रही है. तो हम क्या देखते हैं, कुछ साइकिल्स के बाद, कुछ पर्टिकुलर ऑन ऑफ पीरियड्स के बाद इंडक्टर का जो करंट है दैट इंडक्टर करंट विल मेंटेन सम वैल्यू, जिसमें वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से राइज होता है और दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू से डिक्रीज होता है. तो अगर हम एक स्टेडी स्टेट में इस इंडक्टर के करंट को प्लॉट करें, स्टेडी स्टेट का मतलब है कि एक वो कंडीशन जब इंडक्टर के थ्रू जो चेंजेस हैं वो चेंजेस डाई आउट हो चुके होते हैं और इंडक्टर एक प्री चार्जिंग स्टेट में आ जाता है. मैंने यहाँ पर जो वेवफॉर्म आपको दिखाई है जीरो से स्टार्ट करके, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट व्हेन इंडक्टर स्टार्ट्स चार्जिंग इनिशियली इन द वेरी फर्स्ट साइकिल. आफ्टर फ्यू नंबर ऑफ साइकिल्स इंडक्टर कम्स इनटू दैट स्टेट वेयर एक प्री चार्ज इंडक्टर की तरह से हमारे पास ये बिहेव करने लगता है. उस कंडीशन में हमारे पास जो इंडक्टर करंट आएगा वो इंडक्टर करंट कुछ ऐसा होगा कि एक निश्चित वैल्यू से वो इंक्रीज होगा और एक निश्चित वैल्यू तक वो डिक्रीज होगा. लेट अस से यहां से आपका जो करंट है वो राइज होना शुरू होता है लीनियरली और यहीं से वो आपका करंट डिक्रीज होना शुरू होता है. ठीक है, इस तरह से एक प्री चार्जिंग स्टेट में आने के बाद आपका इंडक्टर इस तरह के करंट को देने लग जाता है और हमने जो चेंज ऑफ करंट है थ्रू द इंडक्टर उसको एज्यूम किया है कि वो लीनियर इन नेचर है, तो हम एक लीनियर मोशन में करंट को राइज एंड फॉल करा रहे हैं. तो दिस इज द इंडक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. दिस इज योर टी ऑन टाइम व्हेन द करंट इज राइजिंग, दिस इज टी ऑफ टाइम व्हेन द करंट इज डिक्रीजिंग. नेक्स्ट हम प्लॉट करेंगे लोड करंट वाई जीरो को. ठीक है, अब आपको क्लियरली पता है कि जब चॉपर ऑन था तो नो लोड पे लोड पे जो करंट था वो जीरो था और जब चॉपर ऑफ हुआ लोड पे जो करंट आया वो करंट इंडक्टर करंट के इक्वल होगा क्योंकि सेम करंट विल फ्लो थ्रू द आउटपुट साइड. दैट मींस फ्रॉम दिस वेवफॉर्म इट इज क्लियर कि ड्यूरिंग ऑन टाइम द करंट विल रिमेन जीरो एंड ड्यूरिंग ऑफ टाइम जितना भी करंट इंडक्टर में से जा रहा है वही सेम वैल्यू ऑफ करंट आपकी आउटपुट से भी मिलेगी. तो जो पोर्शन आपका इंडक्टर का करंट है ड्यूरिंग द ऑफ टाइम वो करंट आपको लोड पर भी मिलेगा, लाइक दिस एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये आपका बन गया है लोड करंट. चार वेवफॉर्म्स हमने प्लॉट की हैं. पहला वेवफॉर्म है आपका सप्लाई वोल्टेज, दूसरा वेवफॉर्म है आपका आउटपुट वोल्टेज, तीसरा वेवफॉर्म आपका है इंडक्टर करंट IL और चौथा वेवफॉर्म आपका है लोड करंट I0. इन द वेवफॉर्म ऑफ इंडक्टर वी कैन ऑल्सो मार्क दिस मिनिमम वैल्यू जिसपे आपका इंडक्टर का करंट मिनिमम होता है. लेट अस कॉल इट दिस इज I minimum एंड दिस इज द पीक वैल्यू, वी कैन कॉल इट I maximum वैल्यू. राइट, तो मतलब ये है कि इंडक्टर में जो करंट है वो I minimum से I maximum के बीच में राइज हो रहा है एंड डिके हो रहा है. साथ ही साथ हमने ये अज्यूम किया है कि जो टी ऑन टाइम है दैट इज ग्रेटर देन टी ऑफ टाइम, तभी तो आपका जो इंडक्टर है वो चार्जिंग स्टेट में प्री चार्जिंग स्टेट में मेंटेन होता है आफ्टर सम ऑफ द साइकिल्स. राइट, ये चीज हमने यहां से नोटिस की है. नाउ क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है कि हमारा जो इंडक्टर का करंट का राइज और डिके है वो एक लीनियर नेचर में है, तो जो भी एवरेज वैल्यू हमें मिलेगी इंडक्टर करंट की दैट एवरेज विल बी इक्वल्स टू एवरेज करंट IL शुड बी इक्वल्स टू होना चाहिए I max प्लस I minimum अपॉन 2. ये जो I minimum वैल्यू है और ये जो I maximum वैल्यू है इन दोनों वैल्यूज का जो एवरेज होगा वही आपका एवरेज करंट होगा IL. अगर हम उसको यहां पर प्लॉट करें तो दैट कैन बी लाइक दिस. ये वो करंट है
जो कि इसके जस्ट सेंटर से होके निकलेगा और आपका एवरेज वैल्यू ऑफ द लोड करंट होना चाहिए, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ द लोड करंट कैन बी फाइंड आउट एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंडक्टर करंट प्लस द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इंडक्टर करंट डिवाइडेड बाय 2। फर्दर लेट अस फाइंड आउट हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। सो फ्रॉम द सर्किट एनालिसिस इट इज वेरी मच क्लियर कि जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड हो रही है वो ऑन टाइम के दौरान हो रही है, ऑफ टाइम में कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज इक्वल्स टू द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड द एवरेज करंट। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर मल्टीप्लाइड विद द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट मल्टीप्लाइड विद द टाइम फॉर विच द एनर्जी बीइंग स्टोर्ड। तो टाइम है आपका टी ऑन, तो ड्यूरिंग द टी ऑन टाइम द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द इंडक्टर विल बिकम द एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। नाउ हाउ मच इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ड्यूरिंग द ऑन टाइम। अगर आप ऑन टाइम में यहाँ पे केवीएल लगा के देखें तो केवीएल लगाने से आपको मिलेगा Vs is equals to Vl, means the inductor voltage is equals to the supply voltage. साथ ही साथ average value of current का कितना value है? Average value है I max plus I minimum upon 2. तो यहाँ से आपको जो relation मिलेगा वो होगा Vs into I max plus I minimum upon 2 multiplied with T on time. ठीक है, ये आपका total energy stored during the turn on time हो गया inductor में। फर्दर लेट अस फाइंड आउट हाउ मच एनर्जी इज सप्लाइड टू द लोड, या फिर यूं कहें कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन लोड। अब जो लोड है वो पिक्चर में आता है ड्यूरिंग द ऑफ टाइम, जब चॉपर ऑफ हो जाता है तब आपका जो लोड है वो पिक्चर में आता है। तो लोड पर कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हो रहा है दिस कैन बी फाइंड आउट एज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड मल्टीप्लाइड विद द करेंट इन द लोड मल्टीप्लाइड विद द टाइम, और जो टाइम है वो कौन सा है, वो है ऑफ टाइम। तो हम यहां पर लिख सकते हैं द वोल्टेज अक्रॉस द लोड मल्टीप्लाइड विद एवरेज करंट थ्रू द लोड इनटू पी ऑफ, क्योंकि आपका जो लोड है वो टर्न ऑफ टाइम में ही पिक्चर में आता है। द वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज वी नॉट मल्टीप्लाइड विद एवरेज करंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एवरेज करंट? फ्रॉम दिस वे फॉर्म इट इज क्लियर कि जो करंट है लोड में वो इंडक्टर करंट के बराबर है, और इंडक्टर करंट का जो एवरेज वैल्यू है वो आई मैक्स प्लस आई मिनिमम बाई 2 है। दैट मीन्स आई मैक्स प्लस आई मिनिमम अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विद टी ऑफ। ये आपका हो गया टोटल एनर्जी बींग कंज्यूम्ड एट द लोड। नाउ वन थिंग वी हैव ऑब्जर्व फ्रॉम द डिस्कशन इज कि जो आउटपुट पर वोल्टेज मिल रहा है That output voltage is coming from the source and the inductor. इसका मतलब ये हो गया कि total energy जो load पे consume हो रही है, जिसका value हमने अभी just find out किया है, that energy should be coming from the source voltage and from the inductor. Inductor में जितना भी energy stored हो रहा है turn on time में, वो हमने यहाँ पर calculate कर लिया है। In the similar way, we can also find out the energy being released during the turn off time. तो हमें क्या करना होगा? Energy consumed in the load, that is V naught into I max plus I minimum divided by 2 into T off should be equals to energy stored in the inductor, that is during the turn on time, I max plus I minimum by 2 into T on plus during the turn off time, I max plus I minimum upon 2 into T off मल्टीप्लाइड विद टी ऑफ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल एनर्जी लोड पे कंज्यूम हुई है वो कहां से आ रही है? वो इंडक्टर से आ रही है, और इंडक्टर ने जितनी भी एनर्जी स्टोर की टर्न ऑन टाइम पे और जितनी भी एनर्जी रिलीज की टर्न ऑफ टाइम पे वो उसके कॉम्बिनेशन से आपको मिल जाएगी। तो फ्रॉम हेयर वॉट वी कैन सी इज कि जो आई मैक्स प्लस आई मिनिमम बाय 2 है वो एक कॉमन क्वांटिटी है, उसको वहां से कैंसिल कर देते हैं, हमें मिलेगा V naught into T off is equals to Vs into T on plus Vs into T off।
यहाँ पे Vs कॉमन है, T on plus T off becomes T, you get V not into T off, ठीक है? Further, it can be written as V not is equals to Vs into T upon T off, that is T on upon T off plus T off upon T off. It will become V naught is equals to Vs 1 plus T on upon T off. Okay? Now, there is a term called duty cycle, D, जिसको हम कहते हैं T on upon T. यह हमारे पास एक formula होता है. T on upon T is equals to, अगर D है, तो हम कह सकते हैं कि D is equals to 1 minus T off upon T. ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हमें मिलता है T is equals to T off plus T on plus T off. T off से T off cancel हो जाएगा, हमें मिल जाएगा T on upon T. यानी के D is equals to, हम लिख सकते हैं 1 minus T off upon T. Right? Also, यहां से अगर हम T off upon T का value निकालें तो T off upon T can become equals to 1 minus D. और अगर हम इसको reverse कर दें, T upon T off will become 1 upon 1 minus D. ठीक है, ये जो relation आया है, इस relation को उठा के अगर हम यहां पर put करें, इस particular relation में हमें मिलेगा V naught is equals to Vs into T upon T off हमारे पास है, और T upon T off हमें मिला है 1 upon 1 minus T. ठीक है, ये आपका आउटपुट वोल्टेज का रिलेशन होता है एक बूस्ट कन्वर्टर के लिए, जो है इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज अपॉन 1 माइनस डी. अब डी आपका जो है वो ड्यूटी साइकिल है, दैट मींस कि आपका जो ड्यूटी साइकिल का वैल्यू है दैट कैन बी वेरीड फ्रॉम 0 टू 1. ठीक है, ड्यूटी साइकिल 0 से 1 के बीच में होता है. दैट मींस कि अगर आपका ड्यूटी साइकिल 0 है, दैट इज द मिनिमम है, उस कंडीशन पे आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा. ठीक है, when you have D is equals to 0, you will have V naught is equals to Vs. When you have D is equals to 0.5, in that condition, you will have V naught is equals to twice of Vs. That means your voltage is being boosted. आपका जो output voltage है वो boost हो रहा है. और अगर हम D equals to 1 ले लेते हैं, जो कि एक hypothetical condition है, उस condition में आपका जो output voltage है, according to formula, that is coming to be an infinite value. इसका मतलब ये हो गया कि बूस्ट कन्वर्टर के केस में आपका जो ड्यूटी साइकिल है, क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, इन दोनों के बीच में हमेशा रहता है, उस कंडीशन में आपका जो आउटपुट वोल्टेज है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज, व्हिच इज मीनिंग दैट कि दिस कन्वर्टर इज बिहेविंग लाइक ए बूस्ट कन्वर्टर. सो विद द हेल्प ऑफ दिस कन्वर्टर यू कैन कंट्रोल द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम Vs टू इनफाइनाइट. इन दोनों वैल्यूज के बीच में आप ड्यूटी साइकिल को चेंज करके आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं. मींस द मिनिमम वोल्टेज यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस कन्वर्टर इज इक्वल्स टू द इनपुट वोल्टेज, एंड मैक्सिमम वोल्टेज व्हिच कैन ऑब्टेन इज दैट द इनफाइनाइट वैल्यू. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस बूस्ट कन्वर्टर, जो कि हमारा स्टेप अप कन्वर्टर था. हमने दो लेक्चर्स में बक कन्वर्टर एंड बूस्ट कन्वर्टर दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं. आई होप कि आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी इन दोनों टॉपिक्स पे आ गई होगी. दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड टू द चैनल फॉर द सम मोर अपकमिंग वीडियोज रिलेटेड टू द पावर कन्वर्टर्स. थैंक यू.